हाँ मतलब, पर इसके पीछे कारण है भैया, जैसे बाल दाढ़ी आप जो देख रहे हैं ना, जिस दिन हम फॉर्म भरे हैं उस दिन से हम इसमें उस तरह तक नहीं लगवाए हैं। अब इसको आप बोलिए अंधविश्वास बोलिए, चाहे मेरा ये भगवान के प्रति विश्वास बोलिए, हम ना इस जब हम लोग का रिजल्ट जारी होगा। हाँ मतलब ये कहीं फैशन नहीं है, जैसे आप लोग को पहला नजर लगा होगा कि इस टाइप का स्टूडेंट तो हम नहीं देखे हैं। नहीं नहीं हम भैया कौन सी इतना सोचता, हम सोचे थे कि 2 से 3 महीना में हो जाएगा, 4 महीना ज्यादा से ज्यादा। परेशान कैसे नहीं होंगे भैया, हम खुद भी परेशान होते हैं। आप सोचिए आप गर्मी में इतना बाल दाढ़ी रखना आसान है? हाँ बिल्कुल, मतलब भारी नहीं, पर हम मतलब यही बहुत लोग बोले कि कटवा लो झारखंड में हो। हाँ वो बोले कि मतलब बहुत लोग बोले कि आप ना हो सकता है कि मतलब शिबू दादा को टक्कर दे दे दाढ़ी में, पर हम अब ठाने हैं तो ठाने, मेरा भगवान के प्रति विश्वास है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही दाढ़ी हम कटवा देंगे, बाल भी बिल्कुल आपको बिल्कुल स्टूडेंट जैसा हम मिलेंगे। अब बोलिए आप सोचिए कि मानसिक तनाव कितना झेल रहे हैं भाई, आप गर्मी में सोचिए ना कितना बाल दाढ़ी कैसे रख पाइएगा, आप गर्मी में सोते हैं, आप तो स्टूडेंट है ना, एसी तो है नहीं, गर्मी में सोते हैं पूरा इधर पसीना से पूरा भींगा रहता है, दिक्कत है। पर हम यही मतलब सरकार से जेएसएससी से बोलेंगे भाई जल्दी से जारी करें, और रिजल्ट में या तो हम होंगे सफल या असफल, अगर असफल भी होंगे तब भी हम हटा लेंगे, बस रिजल्ट से लेने देना। देखिए भैया हम हैं सैनिटरी सुपरवाइजर के, ठीक ना, और मेरा आ रहा है लगभग 160 नंबर 250 में, तो हम उम्मीद किए हैं कि मेरा हो जाना चाहिए, और मतलब जैसा पता था उसमें कैंडिडेट है बहुत ज्यादा नहीं है, हम आशा किए हैं कि मेरा हो जाना चाहिए। हाँ अब अच्छा बताइए भैया कि अगर हम कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, जैसे हम एग्जाम लिख के घर में सोए थे 10 महीना से ना, अभी तक तो नहीं आया, आदमी मजबूरी में आंदोलन करता है, उन लोग भी किए थे, अब भले पलट जाए अभी, उन लोग भी किए थे जो अभी बोल रहे हैं, उन लोग भी किए थे आंदोलन, ये रिजल्ट जल्दी से आया, अब असफल होने के बाद अब बोल रहे हैं तो फिर अब अलग बात है। परेशान कैसे नहीं होंगे भैया, हम खुद भी परेशान होंगे, आप सोचिए आप गर्मी में इतना बाल दाढ़ी रखना आसान है? हाँ बिल्कुल, मतलब भारी नहीं, पर हम मतलब यही बहुत लोग बोले कि कटवा लो झारखंड में हो। हाँ वो बोले कि मतलब बहुत लोग बोले कि आप ना हो सकता है कि मतलब शिबू दादा को टक्कर दे दे दाढ़ी में, पर हम अब ठाने हैं तो ठाने, मेरा भगवान के प्रति विश्वास है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही दाढ़ी हम कटवा देंगे, बाल भी बिल्कुल आपको बिल्कुल स्टूडेंट जैसा हम मिलेंगे। अब बोलिए आप सोचिए कि मानसिक तनाव कितना झेल रहे हैं भाई, आप गर्मी में सोचिए ना कितना बाल दाढ़ी कैसे रख पाइएगा, आप गर्मी में सोते हैं, आप तो स्टूडेंट है ना, एसी तो है नहीं, गर्मी में सोते हैं पूरा इधर पसीना से पूरा भींगा रहता है, दिक्कत है। पर हम यही मतलब सरकार से जेएसएससी से बोलेंगे भाई जल्दी से जारी करें, और रिजल्ट में या तो हम होंगे सफल या असफल, अगर असफल भी होंगे तब भी हम हटा लेंगे, बस रिजल्ट से लेने देना। देखिए भैया हम हैं सैनिटरी सुपरवाइजर के, ठीक ना, और मेरा आ रहा है लगभग 160 नंबर 250 में, तो हम उम्मीद किए कि मेरा हो जाना चाहिए, और मतलब जैसा पता था उसमें कैंडिडेट है बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम आशा किए हैं कि मेरा हो जाना चाहिए। हाँ अब अच्छा बताइए भैया कि अगर हम कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे, जैसे हम एग्जाम लिख के घर में सोए थे 10 महीना से ना, अभी तक तो नहीं आया, आदमी मजबूरी में आंदोलन करता है, उन लोग भी किए थे, अब भले पलट जाए अभी, उन लोग भी किए थे जो अभी बोल रहे हैं, उन लोग भी किए थे आंदोलन, ये रिजल्ट जल्दी से आया, अब असफल होने के बाद अब बोल रहे हैं तो फिर अब अलग बात है।